अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड सर्च कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे क्रेडिट कार्ड जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेस्ट है। साथ में इन सभी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर बताऊंगा, फी एंड चार्जेस बताऊंगा, एंड प्लस में इस क्रेडिट कार्ड के यूजर रेटिंग क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे रखा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, मंत्रा पे या 2GUD पे। वही आपको 4% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप शॉपिंग करते हैं स्विगी पे, PVR पे या उबर पे। बाकी अदर जगह पे भी अगर आपकी स्पेंडिंग होती है तो वहाँ पे भी आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाता है। एंड साथ ही में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो बैंक के साइड से आपको 2,900 रुपीज़ तक का ज्वाइनिंग एक्टिवेशन बेनिफिट मिलता है, जो बेनिफिट आपको फ्लिपकार्ट, गाना, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म का मिलेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 एयरपोर्ट लॉन्जेज एक्सेस मिलता है डोमेस्टिक बेसिस पे। 20% तक का आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं 4000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट पे, जिसमें इंक्लूडिंग है KFC। बाकी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है अगर आप किसी भी आउटलेट पे जाकर फ्यूल बाय करते, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो भी अगर आप फ्यूल बाय करते हो तो कम से कम आप 400 रुपीज तक का बाय करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 रुपीज तक का बाय करोगे तभी आपका 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस में इसके यूजर रेटिंग क्या है। फी की बात करो तो इस क्रेडिट कार्ड के 500 रुपीज का फी होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 25,000 रुपीज सैलरी अर्न कर रहे हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजर रेटिंग है 5 में से 4 स्टार मिले हैं इस क्रेडिट कार्ड को। जानते हैं दूसरे नंबर पे कौन से क्रेडिट कार्ड को मैंने रखा है। दूसरे नंबर पे है अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप अमेज़न के प्राइम मेंबर है तभी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अमेज़न पे शॉपिंग करने पे। बाकी अगर आप अमेज़न के नॉन प्राइम मेंबर कस्टमर है फिर भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 3% का कैशबैक। और इस क्रेडिट कार्ड्स का यूज करके आप अमेज़न के 100 प्लस कुछ पार्टनर्स हैं वहां पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहां पे भी आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा। बाकी अगर आप अदर जगह पे ट्रांजेक्शन करते हो फिर भी आपको बैंक के साइड से 1% का कैशबैक मिलेगा। 15% तक का आपको डिस्काउंट्स मिल जाता है। कुछ सेलेक्टेड रेस्टोरेंट है जो कि ICICI बैंक का पार्टनर्स है वहाँ पे आपको 15% तक का डिस्काउंट्स आपको मिल जाएगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड से आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है किसी भी आउटलेट से जाकर अगर आप फ्यूल बाय करते हो तो। चलिए जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या फी एंड चार्ज है, यूजर रेटिंग क्या है। फी की बात करूँ तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके ICICI बैंक के कस्टमर हैं तो अगर आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपीज भी है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर नहीं है तो अगर आप 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी अर्न करते हो तो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजर रेटिंग की बात करो तो 5 में से मिले हैं इसको 3.5 स्टार। जानते हैं तीसरे नंबर पे मैंने किस क्रेडिट कार्ड को रखा है। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तीसरे नंबर पे मैंने जो कार्ड रखा है वो HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड पहले उतना अच्छा नहीं था लेकिन इसके बेनिफिट फीचर में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको देखते हुए ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर आपने अभी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छी चेंजअप हुई है इसके बेनिफिट फीचर के बारे में। आपको अब मिल जाएगा 5% का डायरेक्ट कैशबैक अगर आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, बुक माई शो पे स्पेंड करते हैं, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, सोनी लीव, स्विगी, इन सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी स्पेंडिंग होती है तो 5% का डायरेक्ट आपको कैशबैक मिल जाएगा। बाकी आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा चाहे आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी स्पेंडिंग करते हो, इंक्लूडिंग EMI भी है। वॉलेट में अगर आप पैसे रिलोड करते हैं फिर भी आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप 1,00,000 रुपीज या उससे ज्यादा कैश स्पेंड करते हो तो बैंक के साइड से आपको 1,000 रुपीज तक का वाउचर्स मिलता है। 20% तक का आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं इसके पार्टनर रेस्टोरेंट है वहाँ पे। एंड 8 आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेज एक्सेस मिल जाएगा ईयरली बेसिस पे, जिसमें से आप 2 पर क्वार्टर यूज कर सकते हो। तो ये तो रही इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर। फी एंड चार्ज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस यूजर रेटिंग की बात की जाए तो इस क्रेडिट कार्ड की फी 1,000 रुपीज की होती है, लेकिन HDFC बैंक अपने कस्टमर को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर को कार्ड लाइफ टाइम फ्री देता है।
मिनिमम इनकम की बात करूँ तो 25,000 रुपीज़ अगर आपकी पर मंथ अर्न करते हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजर रेटिंग 5 में से 4 स्टार हो गई है क्योंकि इसके बेनिफिट फीचर में जो चेंजअप हुए हैं, मेरे तरफ से इस क्रेडिट कार्ड को मिलता है 5 में से 5 स्टार क्योंकि इसमें बेनिफिट फीचर जो चेंजेस हुए हैं बहुत अच्छे बेनिफिट फीचर में चेंजेस हुए हैं। नहीं देखा है वीडियो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से देख लेना। चलिए अब जानते हैं चौथे नंबर पे मैंने कौन से क्रेडिट कार्ड को रखा है। चौथे नंबर पे आता है SBI बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड भी बेस्ट है Amazon पे शॉपिंग करने के लिए। जैसे आप कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, बैंक के साइड से आपको मिल जाता है 500 रुपीज़ का Amazon का गिफ्ट वाउचर। अगर आप 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हो ऑनलाइन विद द एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ द SBI बैंक, इसके कुछ पार्टनर हैं Amazon, BookMyShow, फुटपांडा, लेंस कार्ड, तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पे 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपीज़ का स्पेंड ऑनलाइन आप कहीं पे भी करते हो तो फिर भी आपको 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। अदर अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो वहाँ पे भी 100 रुपीज़ पे आपको 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है कि अगर आप ईयरली बेसिस पे 1 लाख से 2 लाख रुपीज़ का स्पेंड कर लेते हो तो बैंक के साइड से आपको 2,000 रुपीज़ का वाउचर मिल जाता है जो कि क्रेडिट ट्रिप का मिलता है आपको। बाकी इस क्रेडिट कार्ड से आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। कंडीशन ये रहेगी कि आप जो कम से कम रुपए का जो फ्यूल बाई करेंगे 500 रुपीज़ का सिंगल ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,000 रुपीज़ तक के बीच का अगर आप फ्यूल बाई करते हो तो आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्ज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजर रेटिंग की बात की जाए तो इसके जो फी होते हैं 499 प्लस GST, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजर रेटिंग की बात की जाए तो इसको मिले हैं 5 में से 3 स्टार। तो अब जानते हैं पांचवे नंबर पे मैंने कौन से क्रेडिट कार्ड को रखा है। पांचवे नंबर पे है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के स्मार्ट अर्न क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर की बात करूँ तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 50 रुपीज़ का स्पेंड करते हो फ्लिपकार्ट पे, ऊबर पे, तो बैंक आपको 50 रुपीज़ पे 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट्स में कुछ कैपिंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ले सकते हो एक मंथ के अंदर में 500 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ही ले सकोगे। बाकी अगर आप 50 रुपीज़ का स्पेंड करते हो अमेजोन, मिंत्रा, जो फॉर ग्रो फॉर, स्विगी, बिग बाजार, PVR, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बुक माई शो पे, तो भी आपको 50 रुपीज़ पे आपको 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। इसमें भी कैपिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आप ले सकोगे 1 मंथ के अंदर 250 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ही ले सकोगे। बाकी अगर आप 50 रुपीज़ का स्पेंड कहीं पे भी करोगे तो बैंक के साइड से 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। बाकी ये क्रेडिट कार्ड जैसे आपको मिलता है 90 डेज के अंदर में अगर आपने 10,000 रुपीज़ का यूज कर लेते हो तो बैंक के साइड से आपको मिलता है 500 रुपीज़ का कैशबैक। बाकी इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूल बाई करते हैं HPCL आउटलेट से 25,000 रुपीज़ तक का तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सरचार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये रही इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर। जानते हैं फी एंड चार्ज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजर रेटिंग की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड की जो फी आती है 495 रुपीज की आती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप पर मंथ सैलरी अर्न करते हैं 37,500 रुपीज तो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजर रेटिंग की बात करो तो 5 में से 3 स्टार मिले हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि RBI ने बैन लगा रखा है कुछ टाइम के लिए। एंड बाकी सभी क्रेडिट कार्ड में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अप्लाई करने का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्रेडिट कार्ड का अगर आपको रिव्यू देखना है उसका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस वीडियो को जाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसी लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म मिल सकते हो। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।